दोस्तों, अगर आप काफी कम प्राइस में एक अच्छा होस्टिंग परचेस करना चाहते हो तो आप होस्टिंगर से परचेस कर सकते हो। दोस्तों, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर जाकर आप 90% तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरे लिंक के द्वारा परचेस करते हो। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो जो कि है सुमन आर्या, तो आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप होस्टिंग प्लान चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर चेक कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमन आर्या। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में इस तरह के इफेक्ट को लगा सकते हो। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये इफेक्ट काफी अच्छा लग रहा है। इस इफेक्ट को हम लोग पार्टिकल्स इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर आप भी एलिमेंटर पेज बिल्डर की मदद से इस इफेक्ट को अपने वेबसाइट में लगाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों, अगर आप एलिमेंटर को पहले से यूज कर रहे हो तो ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आप एलिमेंटर यूज नहीं करते हो तो सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत एलिमेंटर को सीखना होगा। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन हो जाना है। उसके बाद आपको जाना है प्लगइन्स में और यहाँ पर जाना है एड न्यू में। आपको एलिमेंटर पेज बिल्डर जो कि एक फ्री प्लगइन है उसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको एक और प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है एलिमेंटर एड ऑन। एलिमेंटर एड ऑन एलिमेंट्स को जैसे ही आप सर्च करते हो आपको ये प्लगइन मिल जाएगा, आपको इसको इंस्टॉल करना है। ये इफेक्ट आप बैकग्राउंड में लगा सकते हो, जो भी पार्टिकल्स का इफेक्ट आपको दिख रहा है वो आप अपने सेक्शन के बैकग्राउंड में लगा सकते हो। तो आपको करना ये है कि आपको इसको इंस्टॉल करना है, उसको एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद आप जहाँ भी ये इफेक्ट लगाना चाहते हो वहाँ आपको जाना है। तो मैं यहाँ पर आपको होम पेज में क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। जाने के बाद आपको इस पेज को एडिट विथ एलिमेंटर करना है। आपने अगर पहले से एलिमेंटर से एडिट कर रखा है तो आपको उसको ओपन करना है। और यहाँ पर मैं एक सेक्शन ले रहा हूँ। सेक्शन लेने के बाद आप इसको फुल वाइट कर सकते हो, और उसके बाद आप चाहो इसका हाइट भी आप जितना देना चाहते हो दे सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ जो कि मेरे वेबसाइट का नाम होगा। उसके बाद अब आपको इसका बैकग्राउंड कलर चूज करना है, तो मैं यहाँ पर बीच में क्लिक करूंगा, उसके बाद स्टाइल में। और यहाँ बैकग्राउंड में जाने के बाद मैं इसका कलर जो है वो ब्लू कर दूंगा। ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आप जहाँ भी यूज करना चाहते हो वहाँ कर सकते हो। तो आपको पार्टिकल्स इफेक्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको बीच में क्लिक करना है, उसके बाद आपको स्टाइल सेक्शन में जाना है। तो आपको यहाँ पर ई ए ई पार्टिकल्स मिल जाएगा, जो आपने एड ऑन प्लगइन इंस्टॉल किया था उसके कारण से आपको ये दिख रहा है। तो ई ए ई पार्टिकल्स पर आपको क्लिक करना है, आपको यहाँ पर इसको इनेबल कर देना है। जैसे ही आप इनेबल करोगे ये आपका जो है पार्टिकल्स आप देख सकते हो ये आ गया है। तो दोस्तों, ये काफी आसान तरीका है जिससे आप एलिमेंटर का यूज करके पार्टिकल्स इफेक्ट को कहीं भी यूज कर सकते हो। और दोस्तों, इस तरह से आप अपने होम पेज को थोड़ा आई कैचिंग बना सकते हो, ताकि जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट पर आए उनको आपका वेबसाइट का लुक अच्छा लगे। तो फिलहाल दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो को कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, और भी ऐसे वीडियोस के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रेगुलर आपके लिए इस तरह के नए नए वीडियोस लेकर आता रहूंगा जो आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। तो फिलहाल दोस्तों, बस आज इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।